नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीमा सोनी जी, भरत कुमार जी, पूजा तिवारी जी, सीम जी, रंजना शर्मा जी, दीपाली यादव जी, रोहित प्रधान जी, रिद्धिका जी, रमा शंकर जी, पूजा दुबे जी, प्रांजल, दीपाली यादव जी, सीम जी, रीनू मिश्रा जी, अनूप कुमार जी, दिल खुश जी, पविता मलिक जी, तुलसी जी, प्रमोद कुमार जी, कविता जी, आनंदिता जी, दीपाली जी, सरिता जी, प्रांजल जी, माधुरी जी, स्टडी विद मी, राधिका पटेल जी, रमा शंकर जी, पुपरी कलाम जी, पूनम सिंह जी, मनीषा तिवारी जी, सरिता यादव जी, उषा जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करके मेरा उत्साहवर्धन किया, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। रीतिकाल का जो प्रकरण 2 था, जिसमें हमने प्रमुख कवियों के बारे में पढ़ा था, वो पिछले वीडियो में खत्म हो गया था। आज हम उत्तर मध्यकाल रीतिकाल यानी का प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि का शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की हैं, संक्षेप में वर्णन हो चुका। प्रकरण 2 में किसका वर्णन हुआ है, बहुत ध्यान से सुनिए। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों का जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में रचनाएं की, प्रतिनिधि कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ के रूप में कविताएं की, उनका संक्षेप में वर्णन प्रकरण 2 में हो चुका है। अब यहाँ पर इस काल के भीतर होने वाले उन कवियों का उल्लेख होगा जिन्होंने रीति ग्रंथ ना लिखकर दूसरे प्रकार की पुस्तकें लिखी। बहुत ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है अभी हाल ही की परीक्षा में इस तरह का प्रश्न, प्रकरण से भी पूछ रहे हैं। अब ऐसे कवियों में कुछ ने तो प्रबंध काव्य लिखे हैं, कुछ ने नीति या भक्ति संबंधी पद्य, कुछ ने श्रृंगार रस की फुटकल कविताएं लिखी हैं। ये पिछले वर्ग के कवि प्रतिनिधि कवियों से केवल इस बात में भिन्न है कि इन्होंने क्रम से रसों, भावों, नायिकाओं और अलंकारों के लक्षण कहकर उनके अंतर्गत अपने पद्यों को नहीं रखा, ठीक है। जैसे प्रतिनिधि कवियों ने क्या किया था, क्रम से रस, भाव, नायिका, अलंकार के लक्षण कहे थे और उसके बाद में लक्षण कह के उनके उदाहरण दिए थे, इन्होंने उस क्रम में नहीं रखा है। रचना शैली में किसी प्रकार का इनके में भेद नहीं है। ऐसे कवियों में घनानंद सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के अच्छे कवियों की रचनाएं प्रायः मार्मिक, मनोहर, पद्यों की संख्या बहुत कुछ अधिक पाई जाती है। बात यह है कि इन्हें कोई बंधन नहीं, वो लोग बंधे हुए थे, है ना, रीतिकाल की पद्धतियों में पूरी तरह से जकड़े हुए थे, बंधे हुए थे, इन्हें कोई बंधन नहीं था। जिस भाव की कविता जिस समय सूझी लिख गए, कविताएं इसीलिए और सरस हैं। रीतिबद्ध ग्रंथ के जो लिखने बैठते थे उन्हें प्रत्येक अलंकार या नायिका को उद्धृत करने के लिए पद्य लिखना आवश्यक था, है ना, वहाँ पर उन्हें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर लिखना होता था जिसमें सब प्रसंग में उनकी स्वाभाविक रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते। भाई हर तरह के प्रसंग किसी की रुचि या प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर आदि जितने भी प्रेमोन्मत्त कवि हुए उनमें किसी ने लक्षणबद्ध रचना नहीं की। रसखान, घनानंद, आलम, ठाकुर, इन्होंने क्या किया, लक्षणबद्ध रचनाएं नहीं की। प्रबंध काव्य में उन्नति में इस काल का कुछ विशेष प्रबंध काव्य की उन्नति इस काल में कुछ विशेष नहीं हो पाई। लिखे तो अनेक कथा प्रबंध गए पर उनमें से 2-4 ही में कवित्व का यथेष्ट आकर्षण पाया जाता है। सबल सिंह का महाभारत, छत्रा सिंह का विजय मुक्तावली, गुरु गोविंद सिंह का चंडी चरित्र, लाल कवि का छत्र प्रकाश, जोधराज का हमीरासो, गुमान मिश्रा का नैसित चरित्र, सरयूराम का जैमनी पुराण, सूदन का सुजान चरित्र, देवी तत्ता का बैताल पच्चीसी, हर नारायण का माधवानल काम कंदला, ब्रजवासी दास का ब्रजविलास, गोकुलनाथ आदि का महाभारत, मधुसूदन नाथ का रामाश्वमेघा, कृष्णदास की भाषा भागवत। अच्छा चलिए, नवल सिंह कृत भाषा सप्तशती, आल्हा रामायण, आल्हा भारत, मूल ढोला तथा चंद्रशेखर का हमीरहट।
श्रीधर का जंगनामा, ठीक है, पद्माकर का राम रसायन, ये इस काल के प्रमुख कथानक काव्य हैं। ये कथानक काव्य आप अलग से लिखना चाहें तो लिख के याद कर सकते हैं। इनमें से चंद्रशेखर का हमीरहट, लाल कवि का छत्रप्रकाश, जोधा जी का हमीर रासो, सूदन का सुजान चरित्र, गोकुलनाथ का महाभारत आदि में ही काव्यों उपयुक्त रसात्मकता भिन्न भिन्न परिमाण में पाई जाती है। तो इनको मतलब या तो आप सारे कर सकते हैं, लेकिन ये जो बाद में जिनमें रसात्मकता सही उसमें अलग अलग परिमाण में पाई जा रही है, इनको थोड़ा ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा। हमीर रासो की रचना बहुत ही प्रशस्त, रामाश्वमेघ की रचना भी साहित्यिक है। ब्रजविलास में यद्यपि काव्य के गुण अल्प हैं, पर इनका थोड़ा बहुत प्रचार कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्तों में, मतलब काव्य गुण भले ही कम है लेकिन इसका प्रचार है, जो थोड़े कम पढ़े लिखे कृष्ण भक्त हैं उनमें इनका प्रचार है। कथात्मक प्रबंधों से भिन्न और प्रकार की रचना भी बहुत कुछ बहुत देखने में आती है, जिसे हम वर्णात्मक प्रबंध कह सकते हैं। दान लीला, मान लीला, जल विहार, वन विहार, मृग्या, झूला, होली वर्णन, जन्मोत्सव वर्णन, मंगल वर्णन, राम कलेवा इत्यादि इसी प्रकार की रचनाएं। बड़े बड़े प्रबंध काव्यों के भीतर इस प्रकार के वर्णात्मक प्रसंग रहा करते हैं। काव्य पद्धति में जैसे श्रृंगार रस के क्षेत्र में नक्षिक, षटऋतु आदि से लेकर स्वतंत्र पुस्तकें बनने लगी, वैसे ही कथात्मक महाकाव्यों के अंग भी निकाल कर अलग पुस्तकें लिखी गई। इनमें बड़े विस्तार के साथ वस्तु वर्णन चलता है, कभी कभी तो इतने विस्तार के साथ कि परिमार्जित साहित्यिक रुचि की सर्वथा विरुद्ध हो जाती है। जहाँ कवि जी अपने वस्तु परिचय का भंडार खोलते हैं, जैसे बारात का वर्णन है तो घोड़े की सैकड़ों जातियों के नाम, प्रसंग वस्त्रों का प्रसंग आया तो 2500 प्रकार के कपड़ों के नाम, भोजन की बात आई तो सैकड़ों मिठाइयों, पकवानों, मेवों के नाम। वहाँ तो अच्छे अच्छे धीरों का भी धैर्य छूट जाएगा, अगर आपको ही ऐसे पढ़ने को दे दिया जाए तो धैर्य तो आपका भी छूट जाएगा ना, आपका तो इतने में धैर्य छूट जाता है जब शुक्ल जी ने बड़ा कायदे उससे लिखा है, हमारा भी छूटता है। चौथा वर्ग नीति के फुटकर पद्यों का कहने वालों का है, इनको हम कवि कहना ठीक नहीं समझते, ठीक है, इन्होंने नीति के पद्य कहे, नीति के संबंधी बातें कही हैं। इनके तथ्य कथन के ढंग में कभी कभी वाग्य वैदिक्य रहता है, पर केवल वाग्य वैदिक्य के द्वारा काव्य की सृष्टि नहीं हो सकती। ये ठीक है कि कहीं कहीं पर ऐसे पद्य भी नीति की पुस्तकों में आ जाते हैं जिनमें कुछ मार्मिकता होती है, जो हृदय की अनुभूति से संबंध रखते हैं, पर उनकी संख्या बहुत ही अल्प है। अतः ऐसी रचना करने वालों को हम कभी नहीं कहकर सूक्तिकार कहेंगे। तो ये चौथा वर्ग किसका है? सूक्तिकार, ठीक है। सूक्तिकार कौन? रीतिकाल में वृंद, गिरधर, घाघ, बेताल आदि अच्छे सूक्तिकार हुए। ये जो चार वर्ग हमने पढ़े हैं, आगे इन्हीं कवियों की हम डिटेल भी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पांचवें वर्ग की। अगर आपका आयोग पूछ ले कि कितने वर्गों का है तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आयोग में अब कुछ भी पूछा जा सकता है। पांचवा वर्ग ज्ञानोपदेशक का है, जो ब्रह्म ज्ञान और वैराग्य की बातों को पद्य में कहते हैं। ये कभी कभी समझाने के लिए उपमा रूपक आदि का प्रयोग कर देते हैं, पर समझाने के लिए ही करते हैं, मतलब उनका काव्यांग निरूपण से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी बात समझाने के लिए करते हैं, रसात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए नहीं। इनका उद्देश्य अधिकतर बोध वृत्ति जागृत करने का रहता है, मनोविकार उत्पन्न करने का नहीं, मतलब आपके ज्ञान को बढ़ाने का रहता है, आपके बोध को बढ़ाने का रहता है, आपके मनोविकारों को मतलब मनोविकार आप समझते हैं ना, उनको बढ़ाने के लिए नहीं रहता है। ऐसे ग्रंथकार को केवल हम पद्यकार कहेंगे, सूक्तिकार चौथे वर्ग में और पद्यकार पांचवें वर्ग में। हाँ, इनमें जो भावुक प्रतिभा संपन्न है, जो अन्योक्त आदि का सहारा लेकर भगवत प्रेम, संसार के प्रति विरक्त की करुणा आदि उत्पन्न करने में समर्थ हुए हैं, वे अवश्य ही कवि क्या उच्च कोटि के कवि कहे जा सकते हैं। छठा वर्ग कुछ भक्ति कवियों का है, जिन्होंने भक्ति और प्रेम पूर्ण विनय आदि पद आदि पुराने भक्तों के ढंग पर गाए हैं। छह हो गए, छह वर्ग। अब इसके बाद इसके अतिरिक्त आश्रयदाताओं की प्रशंसा में वीर रस की फुटकल कविताएं भी बराबर बनी रही। शुक्ल जी ने बताया था कि यदि कोई काल खत्म हो रहा है तो मतलब उसका ये नहीं है कि उसकी एकदम बिल्कुल
वहीं पर रुक जाएगी, ठप पड़ जाएगी। एकाध एकाध चीज उसकी जो कविताएं होती हैं वो होती रहती हैं, जिनमें युद्ध की वीरता और दानवीरता दोनों की बड़ी अत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा भरी रहती है। ऐसी कविताएं थोड़ी बहुत तो रस ग्रंथों आदि में मिलती है, कुछ अलंकार ग्रंथों के उदाहरण में जैसे शिवराज भूषण, और कुछ अलग पुस्तकाकार में जैसे शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली इत्यादि। ऐसी पुस्तकों में सर्वप्रिय और प्रसिद्ध वे ही हो सकी हैं जो या तो देव काव्य के रूप में हुई है, अथवा जिनके कोई नायक देश प्रसिद्ध वीर या जनता के श्रद्धा भाजन रहे। बात समझे? ऐसी इनमें से वही पुस्तकें सर्वप्रिय हुई जिसमें या तो किसी देवता को लिया गया या फिर किसी देश प्रसिद्ध वीर को जो पूरी जनता के पहले से ही श्रद्धा का भाजन था, जैसे शिवाजी, छत्रसाल, महाराणा प्रताप आदि। जो पुस्तकें यूं ही खुशामत के लिए आश्रित कवियों की के रूढ़ी के अनुसार लिखी गई, ऐसे ही खुशामत करने के लिए किसी भी राजा की लिख दी गई, जिनके नायकों के लिए जनता के हृदय में कोई स्थान नहीं था, वे प्रकृति के नियमानुसार प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकी। ये बात तो शुक्ल जी पहले भी कह चुके हैं। बहुत सी तो लुप्त हो गई। उनकी रचना में सच पूछिए तो कवियों ने अपनी प्रतिभा का अपव्यय ही किया, मतलब कवियों में प्रतिभा तो थी लेकिन उन्होंने इस चीज को लिखकर अपनी प्रतिभा का अपव्यय किया। उनके द्वारा कवियों की अर्थ सिद्धि भर प्राप्त हुई, यश का लाभ नहीं हुआ। भाई राजा की प्रशंसा करोगे तो पैसे तो देगा, ये अर्थ लाभ तो आपको हो गई, पर यश आपको प्राप्त नहीं क्योंकि वो प्रसिद्ध नहीं हुई। यदि बिहारी ने जयसिंह की प्रशंसा में ही अपने 700 दोहे बनाए होते तो उनके हाथ केवल असरफियां लगी होती। संस्कृत और हिंदी के जाने कितने कवियों का प्रौढ़ साहित्य श्रम इस प्रकार लुप्त हो गया। काव्य क्षेत्र में ये एक शिक्षाप्रद घटना हुई। शिक्षाप्रद कैसे? आगे वालों को शिक्षा दी जा रही है किस तरह अपनी प्रतिभा का अपव्यय भी हो जाता है। भक्ति काल के समान रीति काल में भी थोड़ा बहुत गति इधर उधर दिखाई पड़ जाता है, पर अधिकांश कच्चे रूप। गोस्वामियों की लिखी गई वैष्णव वार्ताओं के समान कुछ पुस्तकों में ही पुष्ट ब्रजभाषा मिलती है। रही खड़ी बोली तो वह अपने कुछ दिनों तक तो मुसलमानों के व्यवहार की भाषा समझी जाती रही। मुसलमानों के प्रसंग में उसका कभी कभी प्रयोग कवि लोग कर देते थे, जैसे अफजल खान को जिन्होंने मैदान मारा भूषण, पर पीछे दिल्ली राजधानी होने से रीतिकाल के भीतर ही खड़ी बोली शिष्ट समाज के व्यवहार की भाषा हो। जब दिल्ली को राजधानी बना लिया गया तो रीतिकाल में ही जो खड़ी बोली थी वो शिष्ट पढ़े लिखे समाज की भाषा होने लगी। वो लोग उसमें भाषा में व्यवहार करने लगे जिसमें अच्छे गद्य ग्रंथ लिखे जाने लगे। अच्छा तभी लिखा जाएगा जब शिष्ट पढ़े लिखे लोगों की भाषा बनेगी। संवत 1798 में रामप्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वशिष्ठ बहुत ही परमार्जित गद्य लिखा। देख लीजिए 1798 में लिख दिया गया था रामप्रसाद निरंजनी द्वारा भाषा योग वशिष्ठ, याद तो सबको होगा। इसी रीतिकाल के भीतर रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह ने हिंदी का प्रथम नाटक आनंद रघुनंदन लिखा। रीतिकाल में लिखा है आनंद रघुनंदन, कूट में पूछा जाए कन्फ्यूज ना होइएगा। इसके उपरांत गणेश कवि ने प्रद्युम्न विजय नाम का एक पद्य नाटक लिखा जिसमें पात्र प्रवेश, विस्कम्भक, प्रवेशक आदि रहने पर भी इतिवृत्तात्मक पद्य लिखे जाने के कारण नाटक का प्राकृत रूप ना दिखाई पड़ा। बाकी सब तो उन्होंने किया, पात्र प्रवेश, विस्कम्भक, प्रवेशक आदि, लेकिन इतिवृत्तात्मक पद्य लिख दिया जिस वजह से वो नाटक का पूरी प्रकृति ग्रहण नहीं कर सकता। अब देखिए, अब जो आपको ऊपर छह वर्ग बताए शुक्ल जी ने, जिन्होंने मतलब लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे उन कवियों के, तो उनकी हम लोग धीरे धीरे विवेचना पढ़ लेते हैं। बनवारी, ये संवत 1690 से 1700 के बीच वर्तमान थे, मतलब मौजूद थे। इनका विशेष व्रत ज्ञात नहीं है। इन्होंने महाराज जसवंत सिंह के बड़े भाई अमर सिंह की वीरता की बड़ी प्रशंसा की है। ये इतिहास प्रसिद्ध बात है कि एक बार शहजहां के दरबार में सलावत खान ने किसी बात पर अमर सिंह को गंवार कह दिया, जिस पर उन्होंने चट तलवार खींचकर सलावत खां को वहीं मार डाला।
इस घटना का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन इनके इन पद्यों में मिलता है। समझ लीजिए, शाहजहां के दरबार में सलावत सिंह ने अमर सिंह को गवार कह दिया था, तो शाहजहां के दरबार में भी होते हुए अमर सिंह ने सलावत खां को सीधे उड़ा दिया था। धान्य अमर छित छत्रा पतिता अमर तिहारो मान, शाहजहां की गोद में हन्यो सलावत खान, उत गकार मुख की कड़ी इते कड़ी जमधार, वाहर वाहर कहन पायो नहीं भई कटारी पार, आनी के सलावत खां जोरी के जनाई बात, तोरीदार पंजन के करेजे जाए कर की, दलपति साही को चलन चली बे को भयो, गाजो गज सिंह को सुनी जो बात बर की, कहे बनवारी बाद साही के तखत पास, फरक लोद लोथिन को अर की, कर की बड़ाई के बड़ाई बाही को की करो, बाढ़ की बड़ाई के बड़ाई जम धार की। ठीक है, बनवारी का ये घटना याद रखिएगा, आप घटनाएं पूछी जाती हैं। बनवारी कवि के श्रृंगार रस की कविता भी बड़ी चमत्कार पूर्ण होती थी। यमक लाने का ध्यान इन्हें विशेष रहा करता था, बनवारी को यमक लाने का ज्यादा था। अभी तक हम लोग अनुप्रास ज्यादा देख रहे थे, उदाहरण देखिए तो ये आपके यमक अलंकार के उदाहरण भी हो जाता है। नेह बरसाने तेरे नेह बरसाने देखी, यह बरसाने पर मुरली बजावेंगो, साजु लाल सारी लाल करे लाल सारी, देखी बेकी लाल सारी लाल देखे सुख पावेंगे, तू ही उर्वशी नाही तो और ती है, तू ही उर्वशी नाही और ती है, कोटि उर्वशी तस तेसो चित लगावेंगो, सजे बनवारी तन आभरण, तोरे गनवारी आज आवेंगो। ठीक है, बनवारी की बात हो गई। दूसरे हैं सबल सिंह चौहान। इनके निवास स्थान का ठीक से निश्चय नहीं है, पता नहीं है ठीक से। शिव सिंह ने ये कहकर कि कोई इन्हें चंदागढ़ का राजा, कोई सबलगढ़ का राजा बतलाते हैं, ये अनुमान किया है कि इटावा के किसी गांव के जमींदार थे। कन्फर्म नहीं है, कोई चंदागढ़ का बताता है, कोई सबलगढ़ का बताता है, अंदाज खाली इतना है कि इटावा के पास के गाँव इटावा के किसी गाँव के जमींदार थे। सबल सिंह ने औरंगजेब के दरबार में रहने वाली किसी राजा मित्र सेन के साथ अपना संबंध बताया है। इन्होंने सारे महाभारत की कथा दोहा और चौपाइयों में लिखी, पूरे महाभारत सबल सिंह ने दोहा और चौपाइयों में लिखी है। इनका महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसे इन्होंने संवत 1718 और संवत 1781 के बीच पूरा किया। इधर 1718 इधर 8 इधर 8 आ गया 1781। इस ग्रंथ के अतिरिक्त इन्होंने ऋतु श्रृंगार का भाषानुवाद, ध्रुव विलास और एक पिंगल ग्रंथ भी लिखा था, पर वे प्रसिद्ध नहीं हुए। ये वास्तव में अपने महाभारत के लिए ही प्रसिद्ध हैं। इसमें यद्यपि भाषा का लालित्य या काव्य की छटा नहीं है, पर सीधी सादी भाषा में कथा अच्छी तरह समझाई गई। रचना का ढंग नीचे के अवतरण से विदित होगा। अभिमन्यु धाय खड़ग परिहारे, भूरी श्रवत बान दस छाटे, तीन बान सारथि उर मारे, सारथि सूझ गिरे मैदाना, एही अंतर सेना सब धाई, रथ को खींचे कुवर कर लीने, अभिमन्यु को पिखंग पर हारे, अर्जुन सुत इम मार किए महावीर प्रचंड, रूप ध्यान भयानक देखे तो जिम लीने दंड। हो गए दो आपके। तीसरे अगर हम बात करें व्रंथ, ये मेड़ता जोधपुर के रहने वाले और कृष्णगढ़ नरेश महाराज राज सिंह के गुरु थे। लक्ष्मण संवत 1761 में ये शायद कृष्णगढ़ नरेश के साथ औरंगजेब की फौज में ढाके तक गए थे। इनके वंशधर अब तक कृष्णगढ़ में वर्तमान है, मतलब मौजूद हैं, वहाँ पर रहते हैं। इनकी वृंदावन सतसई संवत 1761 जिसमें नीति के 700 दोहे हैं बहुत प्रसिद्ध। खोज में श्रृंगार शिक्षा संवत 1748 और भाव पंचाशिका नामक के दो रस संबंधी पुस्तकें और मिली हैं, पर इनकी ख्याति अधिकतर सूक्तिकार के रूप में ही है। ठीक है, वृंद अधिकतर किसके रूप में जाने जा रहे हैं, सूक्तिकार के रूप में। वृंद सतसई के कुछ दोहे नीचे दिए गए हैं, चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं। अभी घनानंद वगैरह आएंगे तो इनमें भी बहुत बहुत उदाहरण मिलेंगे, वो भी हम पूरे पढ़ नहीं पाएंगे।
भले बुरे सब एक सम, जोलो बोतल नाही, जान परत है काग पिक रित बसंत के माई। किताओ को ना कहिए ते जो नर होए अबोध, जो नकटे को आरसी होत दिखाए क्रोध। ठीक है, छत्र सिंह कायस्थ, ये बटेश्वर क्षेत्र के अटेर नामक गांव के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके आश्रयदाता अमरावती के कोई कल्याण सिंह थे। इन्होंने विजय मुक्तावली नाम की पुस्तक संवत 1757 में लिखी थी, जिसमें महाभारत की कथा एक स्वतंत्र प्रबंध काव्य के रूप में कई छंदों में वर्णित है। पुस्तक में काव्य के गुण यथेष्ट परिमाण में है, मतलब यथेष्ट मात्रा में है। कई कई कविता बड़ी ओजस्वनी उदाहरण लिखी। अब ये देखिए, अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए विजय मुक्तावली के रचनाकार, तो आपको ये प्रश्न नया लगेगा, क्योंकि आपके जो रिवीजन वाली पुस्तकें हैं, गाइड्स हैं, उनमें ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इनको देखना पड़ता है। निखरत ही अभिमन्यु को विदुर डुलायु शीस, रक्षा बालक की करो हने कृपाल जगदीश। आपन कादो युद्ध नहीं, धनुष दियो भुवि डारी, पापी बैठे गेत गेह कर पांडु पुत्र तुम चारी। पौरुष तज लज्जा तजी, तजी सकल कुलकानी, बालक रनई पटाई के आप रहे सुखमान। कवच कुंडल इंद्र लीने, बाण कुंती ले गई, भई बैरन मेद नीचित कर्ण की चिंता भई। अब बात करें बैताल। ये जाति के बंदी जन थे और राजा विक्रमशाही की सभा में रहते थे। यदि ये विक्रमशाही के चरखारी वाले प्रसिद्ध विक्रमशाही ही, जिन्होंने विक्रम सत्सई आदि ग्रंथ लिखे हैं, जो खुमान प्रताप कई कवियों के आश्रयदाता थे, तो बैताल का समय 1839 से 1886 के बीच मानना पड़ेगा। पर शिव सिंह सरोज में इनका जन्म काल 1734 लिखा हुआ है, बहुत पहले। बैताल ने गिरधर राय के समान नीति कुंडलियों की रचना की, और प्रत्येक कुंडलिया में विक्रम को संबोधित करके कही है। जैसे विक्रम ने संबोधित की, बैताल ने विक्रम को संबोधित करके कही है, वैसे ही इन्होंने भी विक्रम को संबोधित करके कही है। इन्होंने लौकिक व्यवहार संबंधी अनेक विषयों पर सीधे साधे पर जोरदार पद्य कहे। गिरधर राय के समान इन्होंने भी वाक्य चातुर्य या उपमा रूपक आदि लगाने का प्रयोग नहीं किया है। बिल्कुल सीधी सादी भाषा बात ज्यों की त्यों छंदबद्ध कर दी है, फिर भी कथन का ढंग में अनूठापन है। कुंडलियां नीचे दी जा रही हैं। मारे बैल गरियार, मारे वे अड़ियल टट्टू, मारे कर कसा नारी, मारे वे खसम निखट्टू। बामन सो मर जाए, हाथ ले मदिरा प्यावे, पूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। अर बेनियाव राजा मरे, तबे नींद भर सोइए, बेताल कहे विक्रम सुनो, ऐते मरे ना रोइए। इनके मरने पे मत रोइए। चलिए, आलम की बात करते हैं। ये जाति के ब्राह्मण थे, पर शेख नामक अंग्रेज इनके प्रेम में फंसकर पीछे मुसलमान हो गए आलम, ठीक है, और उनके साथ विवाह करके रहने लगे थे। आलम शेख का जहान नामक एक पुत्र भी हुआ। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। जो पीछे बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा, यानी बहादुर शाह के आश्रय में ये थे। अतः आलम का कविता काल 1740 से 1760 तक माना जा सकता है। इनकी कविताओं का संग्रह आलम केली नामक नाम से निकलता है। नाम मैच हो रहा है, याद हो जाएगा। इस पुस्तक में आए पद्यों के अतिरिक्त इनके बहुत और भी बहुत सुंदर और उत्कृष्ट पद्य ग्रंथों में संग्रहित मिलते हैं और लोगों के मुख से सुने जाते हैं। शेख रंगरेजन भी अच्छी कविता करती थी। आलम के साथ प्रेम होने की एक विचित्र कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि आलम ने एक बार उसे पगड़ी रंगने को दी। रंगरेजन थी ना, तो उसने क्या किया, पगड़ी रंगने को दी, और जिसकी खूंट में वे भूल से कागज का एक चिट बंधा चला गया। कवि थे, लिख के बांध दिया होगा उन्होंने।
उन्होंने उस चिट में दोहे की आधी पंक्ति लिखी थी। कौन सी पंक्ति लिखी थी? कनक छरीसी कामिनी काहे को कटे छीन। शेख ने इस दोहे को इस तरह से पूरा करके कैसे कटी को कंचन काटी बिद कुचिन मध्य धर दीन। उस चिट को ज्यों का त्यों पगड़ी की घूंट में बांध कर लौटा दिया, यानी कि रंगरेजी ने उस शेख के आलम के उस जो दोहा था उसको पूरा कर दिया। तो अगर पहली पंक्ति आती है तो वो आलम ने लिखी है, दूसरी आती है तो शेख ने रंगरेजी ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। उसी दिन आलम शेख के पूरे प्रेमी हो गए और अंत में उसी के साथ विवाह भी कर लिया। शेख बहुत ही चतुर और हाजे जवाब स्त्री थी। एक बार शहजादा मुअज्जम ने हंसी में शेख से पूछा, क्या आलम की औरत आप ही हैं? शेख ने चट उत्तर दिया, हाँ जहाँ पना जहान की माँ मैं ही हूँ। आलम केली में बहुत से कवित्व शेख के रचे हुए हैं। भाई दोनों हस्बैंड वाइफ थे तो उन्होंने भी लिखे होंगे। आलम के कवित्व समयों में बहुत सी रचना शेख की मानी जाती हैं, जैसे नीचे लिखे कवित्व में चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है। ये भी देखिए, शुक्ल जी इतना परख लेते थे कि कौन सा चरण किसने लिख दिया। प्रेम रंग पगे जग मगे जग जामिनी के, जोबन की ज्योति जगी और उमगत है, मदन के माते मतवारे ऐसे घूमत है, झूमत के झुकी झुकी झपी उगरत है, आलम सो नवेली निकाई इन नैनन की पाखुरी पदुम पे भवर थिरकत है, चाहत है उड़ैबे को देखत मयंक मुख, जानत है रहनी ताते ताही में रहते हैं। सही है, आलम रीति बद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। लाइन इम्पोर्टेंट है, पूछी जा चुकी है। ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे, इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। जब अपनी धन में रचेंगे तो प्रेम तत्व की प्रधानता तो होगी। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक वाक्य में भरा पड़ा है। उत्प्रेक्षाएँ भी इनकी बड़ी अनूठी और बहुत अधिक कही हैं। शब्द वैचित्र अनुप्रास आदि की प्रवृत्ति इनमें विशेष रूप से कहीं नहीं पाई जाती। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। इस तन्मयता सच्ची उमंग में ही, ये जो तन्मयता है ये सच्ची उमंग में ही संभव है। सच्ची उमंग होगी तभी आप लिख पाएंगे। रेखता या उर्दू भाषा में भी इनके कवित्व कहे गए हैं। भाषा भी इस कवि की परमार्जित और सुव्यवस्थित है, पर उसमें कहीं कहीं कीन दीन लीन आदि अवधि या पूर्वी हिंदी का प्रयोग भी मिलता है। कहीं कहीं फारसी की शैली रस बाधक भाव भी इसमें मिलता है। फारसी की शैली से क्या शुक्ल जी कह रहे हैं, रस बाधा हो जाती है, वो भी भाव इसमें मिलता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और घनानंद की कोटि में होनी चाहिए। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जा रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा नमूने तो हम पढ़ेंगे नहीं। जाथल कीने बिहार अनेकन ताथल काकरी बैठी चिनौरी, जा रसना सो करी बातन ता रसना सो चरित्र गुन्योरी, आलम जौन से कुंज करीन केलिन जहां अब शीश धुन्योरी, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्योरी। ठीक है, कींदो मोर सोर तज गईरी अनत भाजी, कींदो उत दादुर न बोलत है ऐ दई, कींदो पिक चातक महीप काहू मारी डाले, कींदो बागपति उत अंगत हने गई, आलम कहे आली आजा हो न आए प्यारे, कींदो उत रीत विपरीत विद ने ठही, मदन महीप की दुहाई फिर बेते रही, चूछ गए मेघ कींदो बिजूरी सती भई। देख लीजिएगा, और ये बहुत सारे पद दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं शेख गोविंद जी, गुरु गोविंद जी, इनको आप जान रहे होंगे। गुरु गोविंद सिंह
ये सिखों के महापराक्रमी दसवें या अंतिम गुरु थे। ठीक है, इनका जन्म संवत 1723 में और सत्यलोकवास यानी मृत्यु 1765 में हुई। यद्यपि सब गुरुओं ने थोड़ा बहुत पद्य या भजन आदि बनाए हैं, पर ये महाराज काव्य के अच्छे ज्ञाता और ग्रंथकार थे। सिखों में शास्त्र ज्ञान के अभाव इन्हें बहुत खटकता था और इन्होंने बहुत से सिखों को व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि के अध्ययन के लिए काशी भेजा था। ये हिंदू भावों और आर्य संस्कृत की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे। तिलक और जनेऊ की रक्षा में इनकी तलवार सदा खुली रहती थी। यद्यपि सिख संप्रदाय की निर्गुण उपासना है, पर सगुण स्वरूप के प्रति इन्होंने पूरी आस्था प्रकट की है और देव कविताओं की चर्चा बड़े भक्तिभाव से की। ये बात प्रसिद्ध है कि ये सत्य के आराधक थे, है ना। इनके इस पूर्ण हिंदू भाव को देखने पर ये बात समझ में नहीं आती कि वर्तमान समय में सिखों की एक शाखा विशेष के भीतर पैगंबरी मजहबों का कट्टरपन कहाँ से और किसकी प्रेरणा से आ घुसा है। शुक्ल जी कह रहे हैं, इन्होंने हिंदी में कई अच्छे और साहित्यिक ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से कुछ के नाम ये हैं: सुनीति प्रकाश, सर्वलोह प्रकाश, प्रेम सुखमार्ग, बुद्धि सागर और चंडी चरित्र। चंडी चरित्र बहुत पूछा जाता है। चंडी चरित्र की पद्धति बड़ी ही ओजस्विनी, ये प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा लिखते थे। चंडी चरित्र की दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में पढ़ी कही गई है। अभी बताया ना, ये शक्ति की आराधना करते थे, तो शक्ति कौन? दुर्गा जी। चंडी चरित्र में दुर्गा सप्तशती की कथा बड़ी सुंदर कविता में कही गई है। इनकी रचना के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। निर्जर निरूप हो कि सुंदर स्वरूप हो, कि भूपन के भूप हो कि दानी महादान को, प्राण के बचैया, दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया, किंदो मानी महामान हो। विद्या के विचार हो कि अद्वैत अवतार हो, कि शुद्धता की मूर्ति हो कि सिद्धता की सार हो, चोबन का जाल हो कि कालह के काल हो, कि शत्रुन के साल हो कि मित्रन के प्राण। ठीक है, ये बात हो गई इनकी। श्रीधर या मुरलीधर की बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। अब तक हमने सामान्य जानकारी ली थी प्रकरण 3 में और 7 कवियों के बारे में पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम श्रीधर या मुरलीधर की बात करेंगे। ठीक है, आप लोगों का साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत धैर्य से शुक्ल जी को सुन रहे हैं, निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलेगा। आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो।